कर्नाटक में सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले BJP कार्यकर्ता KV प्रवीण कुमार के मुताबिक कांग्रेस ने PM केयर्स फंड को धोखाधड़ी कहा। सोनिया ने अपने ट्विटर पर लिखा, किस तरह इसका इस्तेमाल जनता के लिए नहीं किया जा रहा है और PM इस फंड का इस्तेमाल कर विदेश यात्राओं पर जा रहे हैं। ये कोरोना की स्थिति में सरकार के खिलाफ अफवाहें हैं, इसलिए मैंने शिकायत दर्ज करवाई। सोनिया गांधी के खिलाफ FIR होने के बाद कांग्रेस नेता DK शिवकुमार ने मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी पर FIR गलत जानकारी के आधार पर लिखी गई है, इसे तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए। शिवकुमार ने दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे निलंबित करने की भी मांग की है। भारतीय रेलवे जल्द ही टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू करने जा रहा है। 22 मई से ये सुविधा देश के करीब 1,70,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स पर मिलेंगी। इन सेंटर पर जाकर लोग ट्रेन का टिकट कटवा सकेंगे। ध्यान रहे, फिलहाल रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर्स पर टिकट नहीं मिलेंगे। इसके लिए अगले 2-3 दिनों में व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस बारे में प्रोटोकॉल तैयार किया जा रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि भारत को सामान्य हालात की तरफ ले जाया जाए। रेलवे जल्द ही और ट्रेनें भी शुरू करने जा रहा है। रेलवे ने 100 जोड़ी ट्रेन की लिस्ट जारी की है जो 1 जून से चलने जा रही है। इनमें दुरंतो, संपर्क क्रांति, जन शताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी मशहूर ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों में AC और नॉन AC दोनों तरह के कोच होंगे। कोई भी कोच अनरिजर्व नहीं होगा। इन ट्रेनों का किराया सामान्य होगा। गुरुवार सुबह 10 बजे से इन ट्रेनों की बुकिंग भी IRCTC पर स्टार्ट हो गई है। सुबह 2 घंटे के भीतर 1.5 लाख टिकटों की बुकिंग हो गई। लॉकडाउन के बीच 25 मई से घरेलू हवाई यात्रा शुरू होने जा रही है। इसके लिए डिटेल्ड गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके मुताबिक एयरपोर्ट आने जाने के लिए निजी गाड़ी, टैक्सी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। गाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। एयरपोर्ट पर डिपार्चर से 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। एयरपोर्ट बिल्डिंग में उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिनकी फ्लाइट 4 घंटे बाद शेड्यूल है। सभी यात्रियों को मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य किया गया है। 25 मई से डोमेस्टिक फ्लाइट में सफर करने वालों को एयरपोर्ट में एंट्री तभी मिलेगी जब उनके फोन में आरोग्य सेतु ऐप होगा। बिना आरोग्य सेतु ऐप के एंट्री नहीं होगी। 14 साल से कम आयु के बच्चों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य नहीं है। एयरपोर्ट टर्मिनल में प्रवेश से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। वहीं एयरपोर्ट पर ट्रॉली का इस्तेमाल बेहद कम किया जाएगा। इसके अलावा एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश से पहले यात्रियों के बैग को भी सैनिटाइज किया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में करीब 700 लोग रिकवर हुए हैं। इसके अलावा 24 घंटों में 65 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। मामले 39,000 के पार पहुंच गए हैं। अब तक 10,300 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि कुल 1,390 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में गुरुवार को भी कोरोना के 500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से कोरोना के 500 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना के मामले 1,000 के पार चले गए हैं। अब तक 5,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 442 लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक कुल 176 मरीजों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण वाले राज्यों की सूची में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। यहां 24 घंटे में कोरोना के करीब 750 मामले सामने आए हैं। पूरे सूबे में अब तक कोरोना के 13,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 5,500 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, जबकि 87 मरीजों की जान गई है। गुजरात में भी कोरोना अनकंट्रोल्ड होता जा रहा है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात कोरोना संक्रमित राज्यों के मामले में तीसरे नंबर पर है। यहां अब तक कोरोना के 12,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 5,000 से ज्यादा ठीक होकर लौट चुके हैं, जबकि अब तक करीब 750 मरीजों की मौत हुई है।